नमस्कार, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज इंडिया। मैं हूं कीर्ति सिंह। पिछले दिनों जिस तरह से देखा गया कि राज्य में पहले जज के ऊपर हमले हुए, फिर वकील के ऊपर, और अब तो हद ही हो गई। अब पत्रकारों पर भी हमले किए जा रहे हैं। वो पत्रकार जिन्हें देश का चौथा स्तंभ माना जाता है, वो पत्रकार जो आप तक सच पहुंचाते हैं, अब वो पत्रकार भी आपराधिक घटनाओं से सुरक्षित नहीं रह रहे हैं। राज्य में लगातार पत्रकारों के ऊपर आपराधिक हमले हो रहे हैं। इसे ही लेकर बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने भी एक बयान जारी की है, जिसमें प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब राज्य की विधि व्यवस्था चौपट होती हुई नजर आ रही है। पहले जज वकील पुलिस और अब उसके बाद लगातार अपराधी पत्रकारों पर भी हमले कर रहे हैं। इसके बावजूद राज्य की प्रशासन और पुलिस इस पर कार्रवाई नहीं कर पा रही है। इसके साथ ही प्रवक्ता ने यह भी कहा है कि अब ऐसा लग रहा है कि हम वापस जंगल राज की ओर लौटते नजर आ रहे हैं। देखिए क्या कहा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने। देखिए, प्रदेश में जो विधि व्यवस्था की स्थिति है वो पूरे तरीके से चौपट हो गई है। अब जंगलों में आप देखेंगे नक्सलियों का राज है, ग्रामीण इलाकों में नक्सलियों का राज है, और शहरी क्षेत्र में अपराधियों का बोलबाला है। पहले ये सिर्फ आम नागरिकों को टारगेट करते थे, पर अब इनका दुस्साहस इस सरकार में इतना बढ़ गया है कि जजों को, वकीलों को, और अब तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के ऊपर भी लगातार प्रहार हो रहा है। अभी रांची में बीते दिन ही एक पत्रकार बंधु के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। उसके जो मुख्य अभियुक्त हैं वो अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। और इसी बीच शर्मा चैनल के राहुल जी के ऊपर भी बीती रात को जानलेवा हमला किया गया। तो जिस तरीके से पत्रकारों को एक के बाद एक निशाना बनाया जा रहा है झारखंड में, और पुलिस पूरे मामले का उद्भेदन नहीं कर पा रही है, तो ये सरकार में जो विधि व्यवस्था है वो पूरे तरीके से चौपट हो गई है और जंगल राज की ओर हम लौटते दिख रहे हैं। तो देखा आपने, ये थे बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव, जिन्होंने कहा है कि किस तरह से पत्रकारों के ऊपर आपराधिक घटनाएं हो रहे हैं और इन मामलों की जांच सही तरीके से नहीं की जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हाल ही में राज्य के एक पत्रकार पर जानलेवा हमला किया गया था, जिसके बाद अभी वो अस्पताल में मौत से जंग लड़ रहे हैं। जिसे लेकर राज्य में अलग अलग स्थानों पर यह भी देखा जा रहा है कि पत्रकार बंधु जितने भी है वो सभी लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पर पुलिस कार्रवाई की जाए और राज्य सरकार इसे संज्ञान मिले। आगे देखना होगा कि कब तक आखिर पत्रकारों पर इसी तरह से हमले होते रहेंगे और इसे लेकर कोई नए कानून बनते हैं या फिर नहीं, या फिर ये जो पत्रकार की अभी पत्रकार के साथ हाल ही में ऐसी घटना हुई है उस पर कब तक संज्ञान लिए जाते हैं और कब तक अपराधी पकड़ा जाता है। तब तक के लिए बने रहे एशिया न्यूज इंडिया के साथ।